Good morning, student. Welcome to St. Angel's online classes. And today we have the chapter number 1, especially for class 11 standard. As we have started the portrait of lady in first part. So here is the remaining part of this chapter. Dear student, let's have a quick revision that in this lesson, Khushwant Singh gives a detailed account of his grandmother and also he tells us about the human relationship. It is a realistic account and Khushwant Singh tells us how the grandmother gives all the time and attention and love to grandchildren. Means jo hamare ghar mein dadi hoti hai wo kaise apna sara samay apna sara dhyan apna sara pyar apne poto poti ko provide karti hai. To yahan is video mein hum dekhenge first phase, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के साथ में बिताया, इट इज कॉल्ड फर्स्ट फेज. लेट्स सी. माय मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड. मैं और मेरी दादी अच्छे दोस्त थे. माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन. मेरे मम्मी पापा ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया. व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. जब वो रहने के लिए चले गए थे शहर में. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर. और हम तब से एक साथ रहे. She used to wake me up, वो मुझे उठाती थी in the morning, सुबह, and get me ready for the school, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी. She said her morning prayer, वह अपनी सुबह की प्रार्थना बोलती थी in a monotonous sing song, बहुत ही monotonous, यहाँ पर dull, repeated, एक ही आवाज जो बार बार सुनी जाए, sing song, while she bathed, जब वो मुझे नहलाती, and dressed, मुझे तैयार करती थी. In the hope, इस उम्मीद में, that I would listen and get to know it. मैं इसे सुनूंगा. And get to know is a phrase, student, जिसका मतलब होता है learn करना, कि मैं इसे दिल से learn कर लूंगा. I listen because मैं सुनता था क्योंकि I loved her voice. मुझे उसकी आवाज बहुत पसंद थी. But never bothered to learn it. लेकिन मैंने कभी भी try नहीं किया उसे सीखने का. Then she would fetch my wooden slate. फिर वह मेरी wooden slate, स्लेट मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बनी तख्ती, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो वो पहले ही वॉश करना, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक. प्लास्टर्ड मीन्स कवर्ड विद येलो चौक. अ टीनी अर्थन इंक पॉट. अ टीनी अर्थन मेड ऑफ अर्थ, मिट्टी का बना इंक पॉट दवात, एंड ए रेड पेन. टाई देम ऑल, इन सब चीजों को एक बंडल में बांधती, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती. आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, और उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करते. ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, एक थिक मोटी स्टेल चपाती जिसको हम लोग कहते हैं रिमेन फूड, विद लिटिल बटर एंड सुगर स्प्रेड ऑन इट. इस पर थोड़ा बटर एंड स्प्रेड सुगर ऑन इट. वी वेंट टू स्कूल, हम साथ साथ स्कूल जाते. She carried several stale chapatis with her for the village dog. और वह कैरी करती थी अपने साथ कुछ ऐसी ही लेफ्ट ओवर रोटियां, with her for the village dog, गांव के डॉग्स के लिए. My grandmother always went to school with me. मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती क्योंकि the school was attached to the temple. The school था, it was attached just near the temple. And the priest taught us the alphabet. और जो priest थे, जो पुजारी थे, जो टीचर्स थे, वो हमें अल्फाबेट सिखाते, एंड मॉर्निंग प्रेयर. व्हाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रो ऑन द इधर साइड ऑफ द वरेंडा, जब बच्चे बैठ जाते वरेंडा में, अपनी हर एक साइड में एक लाइन बनाकर, सिंगिंग द अल्फाबेट ऑन द और द प्रेयर इन ए चौरस, और वो गाते थे अल्फाबेट एंड प्रेयर्स इन अ चौरस इन अ कॉन्टिन्यू साउंड. My grandmother sat inside reading the scripture. मेरी दादी मेरे साथ अंदर बैठती, and she used to read, वो पढ़ा करती थी scriptures, holy books. When we had both finished, जब हम दोनों finish करते अपना काम, we would walk back to together. This time the village dogs would meet us at the temple. हम दोनों एक साथ वापस आते, और इस समय जो गांव के dogs थे वो हमें मिलते थे temple के बाहर door पर खड़े हुए. They followed us to our home growling. वो हमारा पीछा करते हमारे घर तक, growling, making angry sound,
विथ फाइटिंग, एक दूसरे से लड़ते हुए, ईच अदर फॉर द चपाती वी थ्रू देम, रोटियों के लिए जो हम उन्हें फेंकते थे. व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स शहर में कंफर्टेबली सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुलाया, दे कॉल फॉर अस, एंड दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट. डियर स्टूडेंट, दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप, और यह एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ हमारी दोस्ती में. किसकी दोस्ती में? खुशवंत सिंह और उसकी दादी. ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, भले ही हम एक रूम शेयर कर रहे थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. अब जो बदलाव था वो क्या था? मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आ सकती थी. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस. क्यों? क्योंकि मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा था जो इन अ मोटर बस. देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, गलियों में कोई भी डॉग्स नहीं थे. एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आर सिटी हाउस. और इस तरह से दादी ने लिया क्या, अपना जो खाना खिलाने का प्रोसेस था स्पैरोज को, वह अपनाया जो हमारे आंगन में आती थी. एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे वर्स रोल्ड बाय पास्ड, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखने लगे. फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक वह मुझे सुबह उठाती. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती. व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और जब हम वापस आते तो वो मुझसे पूछती कि जो टीचर है उसने मुझे क्या पढ़ाया. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, मैं उसे बताता इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और थोड़ी थोड़ी बातें वेस्टर्न साइंस की. एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड. ग्रेविटी का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, संसार का गोल होना. दिस मेड हर अनहैप्पी, यह सब सुनकर वह दुखी होती. बिकॉज सी कुड नॉट हेल्प मी, क्योंकि वह मेरी मदद नहीं कर सकती थी. विद माई लेसन सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टोट एट इंग्लिश स्कूल, उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था उन चीजों में जो हमें इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती थी. एंड सी वॉज डिस्ट्रेस्ड, और इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा निराश थी. दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, कि स्कूल में कोई भी भगवान के लिए, कोई भी होली बुक्स के बारे में पढ़ाई नहीं होती. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने अनाउंस किया कि हमें म्यूजिक का लेसन दिया गया. सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वह बहुत दुखी हुई है जानकर. क्यों? बिकॉज टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उसके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड. डियर स्टूडेंट, ल्यूड इज अ वल्गर. अकॉर्डिंग टू हर म्यूजिक इज मेड फॉर ऑल दोज पीपल हु आर नॉट गुड फॉर सोसाइटी. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ आर लॉर्ड, अकॉर्डिंग टू हर यह क्या था, इट वॉज द मोनोपोली राइट ऑफ आर लॉर्ड्स ऑल द बैड कैरेक्टर पीपल्स एंड बेगर. एंड म्यूजिक इज नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, और जो म्यूजिक है वह नहीं बना है जेंटल फोक के लिए. सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मैन डिसअप्रूवल, वह कुछ नहीं बोली लेकिन उसके चुप का मतलब था कि वह इस बात से सहमत नहीं है. सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद रेयरली वह मुझसे बातें करती थी. डियर स्टूडेंट, इट इज द सेकेंड पार्ट, एंड नाउ इन थर्ड पार्ट वी विल बी कंप्लीटिंग दिस वीडियो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.